आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेल्डेड कनेक्शंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। वेल्डेड कनेक्शंस के एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। वेल्डेड कनेक्शंस जो होते हैं ये एलिमिनेट कर देते हैं होल्स की नेसेसिटी को, और थोड़े बहुत जो होल्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ इरेक्शन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जब आपके मेंबर्स में होल्स नहीं होंगे तो नेट सेक्शन की जो कैलकुलेशंस हैं टेंशन मेंबर में वो एलिमिनेट हो जाएगी, और ग्रॉस एरिया ही आपको कैलकुलेशंस में लेना है। वेल्डेड कनेक्शंस से जो मेंबर्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, और स्मॉलर ग्रॉस सेक्शन पे भी आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। फिर सेकेंड एडवांटेज जो है कि ये एयर टाइट एंड वाटर टाइट जॉइंट्स बनाते हैं। इसी कारण वेल्डेड जॉइंट्स ऑयल या वाटर स्टोरेज टैंक्स, शिप्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ये इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द मेंबर्स। बोल्ट का मटेरियल और स्प्लाइस प्लेट्स जो होती हैं ये दो मेंबर्स को जॉइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनका जो नेसेसिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है वेल्डेड मेंबर्स में। गजट प्लेट का साइज़ भी छोटा हो जाता है, और क्योंकि उनके जो कनेक्शन लेंथ्स हैं वो कम हो जाती हैं। फैब्रिकेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि अब हमको ड्रिलिंग पंचिंग नहीं करनी होती है। इनको बनाने में भी टाइम कम लगता है, लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड। इसके साथ ही इसमें जो लेबर है एग्जीक्यूशन के लिए वो भी कम लगेंगी, इसके कारण ओवरऑल जो सेविंग आती है वो 15% होती है। जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं ये रिजिड होते हैं, बोल्टेड कनेक्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि बोल्टेड कनेक्शंस में दो प्लेट्स जो होती हैं और बोल्ट के बीच में, वो जब हम लोड लगाते हैं तो उनमें बोल्ट्स थोड़े बैंड हो जाते हैं और प्लेट्स में मूवमेंट हो जाता है, लेकिन वेल्डेड में ये रिजिड कनेक्शंस होते हैं। वेल्डेड जॉइंट्स जो हैं वो बेटर अपीयरेंस देते हैं। डिज़ाइनर के पास चॉइस जो है वो बेटर होती हैं, वो अपने पसंद से बिल्ट अप सेक्शंस बना सकता है, रोल्ड सेक्शंस की इतनी नेसेसिटी नहीं रहती है, और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी इजीली आप बना सकते हैं। बोल्टेड कनेक्शंस में तो आपको काम करने में जगह स्पेस वगैरह चाहिए, लेकिन वेल्डेड में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर वेल्डेड कनेक्शंस को ऑल्टर करना भी इजी रहता है, इनमें एडिशंस सब्ट्रैक्शंस मेंबर्स में इजीली हो जाता है। वेल्डेड जॉइंट्स की एफिशिएंसी ज़्यादा आती है बोल्टेड जॉइंट्स से, और होल्स को एलिमिनेट करने से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता था होल्स के पास, जो स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाता था क्योंकि वहाँ पे मटेरियल कम हो गया है, वो वेल्डेड में नहीं रहता है। वेल्डिंग जो है वो नॉइसलेस ऑपरेशन है, और उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस हैं वो कम हैं। और अगर हम लोग वन पीस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो इजीली बन जाता है वेल्डेड कनेक्शन से। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये इसको स्किल्ड लेबर चाहिए। फिर वेल्डेड जॉइंट का इंस्पेक्शन डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव होता है, इसमें लार्ज रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि मेंबर जो है वो गर्म होते हैं और फिर उनकी कूलिंग होगी, अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग से उनमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। फिर जो मेंबर्स जॉइंट होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वेल्डिंग को करने के लिए कॉस्टली इक्विपमेंट्स और सेफ्टी गार्ड्स चाहिए आपको,
पॉसिबिलिटी है कि इनमें जो फ्रैक्चर है वो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है वेल्डेड जॉइंट्स में। वेल्डिंग जो होती है अगर हम लोग फील्ड पे कर रहे हैं तो इज़ मोर एक्सपेंसिव देन शॉप वेल्डिंग, और वेल्डिंग एट साइट मे नॉट बी फिजिबल, क्योंकि आपको साइट पे हर वक्त पावर सप्लाई मिल जाए, हर जगह ये सुविधा हो, इट्स नॉट कंपलसरी। तो इस कारण वेल्डिंग एट साइट कई बार फिजिबल नहीं होती है, तो उस केस पे हमको वोल्टेड कनेक्शंस पे जाना होता है।